उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, खुश होंगे, और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आपको टाइटल से तो पता चल गया होगा, आज मेरी वीडियो क्या है। मेरी बर्थडे थी 11 सितंबर को, मुझे गिफ्ट्स मिले थे लेकिन मैंने अनबॉक्सिंग नहीं की अभी तक। सो मैंने कहा क्यों ना अनबॉक्सिंग भी करूँ और आप लोगों के साथ शेयर भी करूँ किसने मुझे क्या दिया है, क्योंकि सब लोग गिफ्ट कर देते हैं लेकिन किसी को पता नहीं चलता किसने क्या दिया है, किसी ने क्या नहीं दिया। तो मैंने कहा क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूँ, और मेरी सिस्टर्स को भी पता चल गया कि किसने मुझे क्या दिया है। उन्होंने भी गिफ्ट भेजे हैं, जैसे कि मेरे हस्बैंड ने दिए हैं, मेरे इन लॉज की तरफ से हैं, मेरी मम्मा की तरफ से हैं, सब की तरफ से हैं गिफ्ट्स। और ये मैंने बैग बना के रख दिया था, आपको पता है लास्ट वीडियो में, कि मैं नेक्स्ट टाइम जब अनबॉक्सिंग करूँगी तो साथ में साथ निकाल दूँगी। सो आज मैंने कहा क्यों ना अनबॉक्सिंग भी कर लूँ और देखा जाए किसने क्या दिया है, क्योंकि मुझे अभी तक नहीं पता किसने क्या दिया क्या नहीं दिया। और मैं अपने हस्बैंड का जो गिफ्ट है वो मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी, क्योंकि उन्होंने मुझे सरप्राइज़ दिया था और मैं उनके साथ ही शॉपिंग करने गई थी, तो वो लास्ट में ही आपको मैं दिखाऊंगी। चलें चलते हैं अनबॉक्सिंग की तरफ। सो पहले मैं ये गिफ्ट ओपन करती हूँ। ये मेरी सिस्टर ने दिया है, बड़ी सिस्टर जो है, तो उनका गिफ्ट ओपन कर लेते, देखते हैं इसमें क्या है। तरीके से नहीं खोला जाता, मैं बस गिफ्ट फटाफट ऐसे ही खोल लेती हूँ, क्योंकि मेरी बड़ी बहन है तो मैंने कहा सबसे पहले उनका खोला जाए, बाद में फिर मैं अपनी और बहनों का और मम्मा का खोलूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता किसने क्या दिया है, बस पैक होके आया था। वाओ, ये मेकअप किट है, ज़बरदस्त। अब इसको पूरा ही ओपन कर लेते हैं, देखते हैं कैसी है। ये देखें, ऐसा लग रहा है वॉलेट है। नाइस नाइस उरुस बाजी, बहुत जबरदस्त है। वाओ, ये देखिए इसके दो ब्रशेस। अच्छा, इस तरह ओपन हो, वाओ जबरदस्त। ये देखें इसके शेड्स बहुत बड़े ज़बरदस्त। मुझे मेकअप का बहुत शौक है, बहुत शौक है, उसके ब्रशेस और सब कुछ। अच्छा, ये इसका पाउडर है, वाओ यार। इसकी ये लिपस्टिक शेड्स हैं, आप देखें करीब से कितने खूबसूरत लग रहे हैं। ये देखते हैं ये क्या है। ये नेल कलर है, वाओ नेल कलर, ये नेल कलर भी है, और ये मस्कारा है, सारे बहुत ज़बरदस्त। थैंक यू उरुज बाजी, थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये ऐसा लग रहा वॉलेट है, हाथ में लेके जाओ, बहुत ज़बरदस्त है। थैंक यू उरुज बाजी। अब मैं अपनी सेकंड नंबर वाली सिस्टर का गिफ्ट खोलती हूँ कि उन्होंने क्या भेजा है। इन्होंने ये भेजा है, उनका नाम उरुसा है, उनका देखते हैं क्या भेजा है इन्होंने। उन्होंने ज्वेलरी भेजी है, देखिए कितनी सारी ज्वेलरी है, और एक गिर गया, मैं उठा लेती हूँ। अच्छा, ये उन्होंने हुदा की मुझे लिपस्टिक शेड भेजा है, ये उन्होंने एक आई थिंक ब्रोच वगैरह ये भेजा है, और ये पिंस हैं ये भेजे हैं इन्होंने, और ये बहुत ही ज़बरदस्त इयररिंग्स हैं, और ये ब्रेसलेट है, बहुत ज़बरदस्त है। मैं लिपस्टिक का शेड देखती हूँ, क्योंकि मुझे लिपस्टिक का बहुत शौक है, बहुत ज़्यादा। मुझे मेकअप का ही सबसे शौक किसको नहीं होता। बहुत ही ज़बरदस्त शेड है, ये देखें, बहुत ज़बरदस्त है। थैंक यू उर्सा भाजी। और ये इयररिंग्स भी बहुत ज़बरदस्त हैं। तो ये हो गया मेरी छोटी सिस्टर का गिफ्ट, इसको वापस पैक कर देते हैं। इसको रखना भी बहुत, क्योंकि मेरे पास सब कुछ बहुत ज़्यादा ज़्यादा है, हर चीज़ माशाल्लाह से, मुझे बहुत शौक है। सब कहते हैं कि तुम्हें होका है, लेकिन मुझे होका नहीं है, बस मुझे गिफ्ट भी मिल जाते हैं। ये है मेरी छोटी सिस्टर ने दिया है, नेहा मंसूर, उनका पेज भी, वो भी ब्लॉगिंग करती है नया ब्लॉग के नाम से, तो आप लोग जाइए ज़रूर उनका चैनल सब्सक्राइब कीजिए। जो जो जितने भी सब्सक्राइबर, मेरे ज़्यादा सब्सक्राइबर्स तो नहीं है,
फिर भी उनसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, जो जो हैं मेरे सब्सक्राइबर, आप प्लीज़ जाइए और उनका चैनल सब्सक्राइब कीजिए। बहुत मज़े के रिव्यू भी करती हैं, वीडियो बनाती हैं, बहुत अच्छी ब्लॉगिंग करती हैं। ये उन्होंने मुझे बैग दिया है, वॉलेट दिया है, बहुत ज़बरदस्त। ये मेरे पास कलर नहीं था। थैंक यू सो मच नेहा, बहुत ज़बरदस्त वॉलेट है ये, देखें उसमें कार्ड्स रख लो, उसमें कैश वगैरह, और ये बहुत ज़बरदस्त वॉलेट है। थैंक यू नेहा, ठीक है। उन्होंने निके भेजा है, टू उज़मा हैप्पी बर्थडे माय डियर लवली सिस्टर। थैंक यू नेहा, मेरी सबसे छोटी सिस्टर है, बहुत अच्छी है माशाल्लाह से। थैंक यू गिफ्ट का। अच्छा, अब ये मेरी मम्मा की तरफ से, मेरी मम्मा ने भी लिखा है टू उज़मा हैप्पी बर्थडे उज़मा फ्रॉम मम्मा। तो ये मेरी मम्मा ने भेजा है मुझे, वो भी इतना पैक करके। लेट्स सी क्या है। मम्मा ने मुझे दो गिफ्ट भेजे हैं, एक ये है और एक और अभी दिखाऊंगी मैं आपको। ये परफ्यूम भेजा है मम्मा ने मुझे, यार जबरदस्त। मम्मा जी थैंक यू लवली। ये देखें, मुझे परफ्यूम भेजा है, नाइस स्मेल, बहुत ज़बरदस्त स्मेल है। थैंक यू मम्मा, ये मम्मा का गिफ्ट हो गया। अच्छा, एक मम्मा ने मुझे ड्रेस भी भेजा है, मेरा ड्रेस, मैं आपको उसकी अनबॉक्सिंग करके किस तरह आता है ये ड्रेस। ये देखें, ये इसकी कुर्ती है, ये इसकी स्लीव्स हैं, ये देखें, आराम से इजी टू वियर है, गर्मियों में आराम से पहन सकते हैं। इसका नेक देखें कितना ज़बरदस्त है, ठीक है। और इसका ये वाइट कलर का ट्राउज़र है, क्योंकि इस पर वाइट कलर का एम्ब्रॉयडरी हुई है और मैरून कलर का दुपट्टा है, बहुत ज़बरदस्त है। इसकी पूरी कुर्ती आपको दिखाती हूँ मैं कैसी है, ये देखें, इसका दामन भी बना हुआ है, इसकी नेक भी बहुत ज़बरदस्त है। और थैंक यू मम्मा, बहुत ज़बरदस्त ड्रेस है ये वाला। अच्छा, अब तो मम्मा की तरफ के सारे गिफ्ट्स हो चुके हैं, मेरी सिस्टर के मैंने अनबॉक्सिंग कर ली है। अब मैं अपने इन लॉज की तरफ आ जाती हूँ, जो मेरे ससुराल से मुझे मिला है। अच्छा, ससुराल से मुझे मेरी जो मदर इन लॉ है, वो मुझे सूट देती है, सब लोग मुझे ड्रेस देते हैं, बट इस बार शायद लॉकडाउन की वजह से वो लोग शॉपिंग नहीं कर पाए, तो उन्होंने इस वजह से कैश दिया है। कैश अभी तक देखें एक हफ़्ता हो चुका है, मैंने अभी तक खोला ही नहीं किसने क्या दिया क्या नहीं दिया। और ये जो कैश है ना, मैं संभाल के रखती हूँ, मैं नहीं करती। भाभी, ये मेरे जो बड़े भाभी हैं, उनकी तरफ से कैश मिला है मुझे ये। और ये अब मैं अपनी जो सांस हैं उनका भी खोल लेती हूँ कि उन्होंने क्या दिया है। अम्मी ने, मैं उनको अम्मी कहती हूँ, और मैं अपनी मम्मा को, अपनी अम्मी को मैं मम्मा बोलती हूँ, ठीक है। ये उन्होंने मुझे कैश दिया है, अनम ने, मेरी नंद ने मिला के, और मेरी सास ने मुझे कैश दिया, थैंक यू सो मच। अच्छा, ये जो मुझे बर्थडे के पैसे मिलते हैं और ईदी पे जो मिलते हैं, और जो मेरा जो प्रॉफिट होता है उसका, जो मैं ऑनलाइन क्लोथिंग का काम करती हूँ, उसमें जो 5% 10% जो भी प्रॉफिट होता है उसको मैं क्या करती हूँ, गले में डाल देती हूँ अपनी ईदी भी, और जो 10% या 5% जो प्रॉफिट होता है वो मैं अपने गले में डाल देती हूँ। तो 2 साल के बाद जब मैंने गला तोड़ा तो मेरे पास ज़्यादा पैसे तो नहीं निकले, बस बहुत कम निकले थे, क्योंकि ईद पे भी बहुत कम पैसे मिलते, ज़्यादा नहीं मिलते। बर्थडे पे भी तकरीबन इतने ही मिलते हैं, 5,000 कुछ इस तरह, इससे ज़्यादा नहीं मिलते हैं। तो वो मैं गले में डाल देती हूँ। तो 2 साल के बाद जब मैंने गला तोड़ा तो मुझे काफ़ी सारे पैसे निकल गए, तो उससे मैंने ये, जिससे मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ, वीडियो शूट कर रही हूँ, वो मैंने मोबाइल लिया है, और आधे पैसे मैंने मिलाए थे, थोड़े से पैसे हस्बैंड ने मिलाए थे जो कम हो गए थे। तो इस वजह से मैंने पैसे ज़ाया नहीं करती हूँ, मैं संभाल के रखती हूँ ये पैसे, क्योंकि ज़्यादातर जो मेरा प्रॉफिट होता है वो तो मैं कर देती हूँ, लेकिन उसका जो 10% या 5% जो होता है वो मैं गले में लास्ट में डालती हूँ। लेकिन अब गला टूट गया है, तो इंशाल्लाह जब लूँगी तो मैं उसमें डाल दूँगी। थैंक यू सो मच भाई, अनम, अम्मी, भाभी। अच्छा, अब मैं अपने हस्बैंड की तरफ की, जो उन्होंने मुझे गिफ्ट दिलाए हैं, ये 2 सूट दिलाए हैं बहुत ज़बरदस्त से बीजेस के ब्रांड से, और मुझे बहुत अच्छा लगता है, हम ज़्यादातर बीजेस से ही शॉपिंग करते हैं। और ये बिन साइज का सूट है, ये जैसे आप देख रहे हैं ना वैसे ही है, ऑरेंज कलर का ना, ठीक है, 3-पीस सूट है, और ये मुझे मिला था। आप उनकी वेबसाइट पे भी जाके विजिट कर सकते हैं, सारे प्राइस वहाँ पर मेंशन है, और आप लोग ऑनलाइन भी शॉपिंग कर सकते हैं, ठीक है। मैंने डॉलमेन मॉल से लिया था, जो राज रोड पर है।
ठीक है। और एक ये कुर्ती है, कुर्ती मुझे बहुत ज़बरदस्त लगी, जब मैं वेयर करूँगी आपको ज़रूर ओपन करके दिखाऊँगी, लेकिन अभी हस्बैंड ने मना किया है कि इसको अनबॉक्स नहीं करना, जब तुम वेयर करो तभी दिखाना, तो इससे पहले नहीं दिखाना। बस मैंने आपको इस तरह दिखा दिया कि सिंपल लॉन की शर्ट है, ये लॉन का शर्ट है सिंपल, और ये जो है पूरा थ्री पीस सूट है। इसके साथ हस्बैंड ने कहा था कि दुपट्टा भी ले लो और ट्राउज़र भी ले लो, बट मैंने कहा मेरे पास दुपट्टा भी है ट्राउज़र भी है, क्योंकि ये जो दुपट्टा मैरून जो मम्मा ने दिया है वो मैच हो जाएगा, इसके अलावा मेरे पास एक और मैरून कलर का गोल्डन कलर का ट्राउज़र मेरे पास ऑलरेडी है, तो परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये मेरे हस्बैंड ने मुझे दिलाया है, ये उनकी ही चॉइस के लिए हैं मैंने कपड़े, क्योंकि मेरे पास कलर नहीं थे। और इसके अलावा मैं बुनंजा गई थी, बुनंजा में आपको पता है जब सेल लगती है तो बहुत डिस्काउंटेड रेट परफ्यूम वगैरह सब कुछ मिलते हैं, तो मैंने ये परफ्यूम लिया था, एक हस्बैंड के लिए लिया था ये, ठीक है। इसकी बहुत ज़बरदस्त है, ये बॉडी स्प्रे है बहुत ज़बरदस्त, और ये है बॉडी मिस्ट, ये मेरा है, इसकी फ्रेगनेंस बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त, आप यकीन करें। आप लोग भी जाएँ अवेल करें, और आपको पता है कि गर्मियों में बॉडी मिस्ट और परफ्यूम की कितनी नीड होती है, तो अच्छे खासे मतलब आप सेल लगे तो आप बुनंदा से ले सकते हैं, बहुत डिस्काउंटेड रेट पे मुझे दोनों 1090 रुपीस के मिले हैं। और आप लोग मुझे बताएं आज की वीडियो कैसे लगी, मेरे इन ड्रेसेस इन सूट्स वगैरह में से क्या अच्छा लगा, मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। देखें ये कार्ड था, ये कार्ड था, ये मेरे नेल्स ने दिया है, मैंने नेल कलर हटा दिया है। अच्छा ये देखें, हैप्पी बर्थडे टू चची, मैनी 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 हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, हैप्पी बर्थडे फ्रॉम हरीम एंड उमर। ये जो थी ये मेरी जो नीस है हरीम फातिमा, उन्होंने लिखा है, और ये जो उमर है उनको लिखना नहीं आता, पढ़ना भी नहीं आता, फिर भी उन्होंने लिखा है, तो थैंक यू सो मच, ये बहुत ज़बरदस्त लवली वाला गिफ्ट है, और उन्होंने कलरिंग की है। अच्छा ये मुझे 2020 में मिला था, और ये मुझे मिला था, ये भी हरीम फातिमा की तरफ से था और उमर कुरैशी की तरफ से, तो ये मुझे 2019 की बर्थडे में मिला था, और ये 2018 की बर्थडे पे मिला था मुझे, है ना। ये देखें, ये मैंने कार्ड संभाल के रखे हुए हैं, ये बहुत ज़बरदस्त है, जब बड़े हो जाएंगे ना इंशाल्लाह मैं उन लोगों को दिखाऊंगी। देखें आप लोग ये बना बना के मुझे सेंड करते, ये बर्थडे पे गिफ्ट करते थे, ठीक है। ये हर किसी को, किसी की बर्थडे आए, बाबा इनकी बाबा की आए, चाचा की आए, पप्पो की आए, दादों के, सब की बर्थडे पे कार्ड बना के भेजते हैं, तो ये अच्छी आदत है, ऐसी आदत होनी चाहिए, ठीक है। और ये कफलिंग का सेट है, ये मम्मा ने भेजा है मेरे हस्बैंड के लिए, ये भी बहुत ज़बरदस्त है, थैंक यू। उनकी बर्थडे नहीं थी मम्मा, मेरी बर्थडे थी, चला खाए। सो ये थे मेरे गिफ्ट्स। अच्छा ये मेरे सारे गिफ्ट्स मैंने यहाँ लगा दिए हैं, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कि आपको कौन सा गिफ्ट ज़्यादा पसंद आया, और मेरी गिफ्ट्स अच्छे हैं या नहीं। ऑफ कोर्स अच्छे, मुझे तो बहुत अच्छे लगे, सबका बहुत सारा थैंक यू जिसने मुझे विशेज भेजी थी बर्थडे वाले दिन, मुझे इंस्टाग्राम पे बहुत सारी विशेज आई थी, और मुझे फेसबुक के थ्रू बहुत सारी विशेज आई थी, व्हाट्सएप के थ्रू, थैंक यू सो मच जिसने मुझे विश किया, और मेरे इन लॉज की तरफ से, मेरे ससुराल की तरफ से, मैके वालों की तरफ से बहुत बहुत थैंक यू, आप लोगों ने मुझे गिफ्ट भेजे और मुझे याद रखे। 12 बजते हैं और मेरी मम्मा की कॉल आती है, और मेरे पहले हस्बैंड विश करते हैं, देन मम्मा की कॉल आती है, नेहा की कॉल आती है, फिर विशेस जो हैं स्टार्ट हो जाती हैं। थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगा, और अब बस अपना ख्याल रखिएगा, कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताइएगा कि मेरे गिफ्ट कैसे अच्छे लगे। और अगर आप लोगों ने मेरा बर्थडे व्लॉग नहीं देखा, आप ज़रूर देखें, मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर फॉलो कीजिए, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। और मुझे इस टिंट के बारे में बताएं, ये टिंट कैसा है, मैंने यूज़ किया, लेकिन जो मैंने डॉट लगाया अपने चिक पर, तो डॉट वो ब्लाइंड ही नहीं हुआ है, मतलब लाइट तो हो गया है लेकिन फुल डॉट के निशान नहीं हटे, तो आप मुझे बेस्ट टेंट जो है रिकमेंड लाजमी करें। मुझे ये टेंट बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, मैंने दराज से ऑनलाइन परचेस किया था, आप लोग भी मेरा दराज वाला ब्लॉग देखिएगा, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। सो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा ये वाला टेंट, देखें मैंने लगाया भी है तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, इसके एक तो स्मेल भी अच्छी नहीं है। सो आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको इन गिफ्ट में सबसे बेस्ट गिफ्ट क्या लगा है, और मेरे गिफ्ट अच्छे हैं, और अगर किसी को शॉर्ट आउट देना है, प्रमोशन करवाना है, तो मैं फ्री देने के लिए तैयार हूँ, तो जस्ट आपको क्या करना है, या तो मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मुझे डीएम कर सकते हैं, मैं प्रमोशन करने के लिए तैयार हूँ, बिकॉज अभी मेरे प्रमोशन अभी वीडियो इसके बाद आएगी, आप लोग देख सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। लास्ट में एक बात कहना चाहूँगी,
दूसरों की खुशी में खुश होना सीखिए। अगर आप दूसरों को खुश रखेंगे, उसकी खुशी देखकर आपको अंदर से जो दिली सुकून मिलेगा ना, बस बस मैं ये जानती हूँ कि आप दूसरों को खुश रखना सीखें, आप ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहेंगे, खुद भी खुश होते रहेंगे और अपने चेहरे पे एक निखार देखेंगे दूसरों की खुशी देखकर। सो मेरी राय है, अगर अच्छी लगे तो बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।